तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम सीओए के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी ट्रांसफर को। इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने बस ट्रांसफर्स को डिस्कस किया, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इसको। इसमें सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी वर्ल्ड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ रीड ऑपरेशन। यानी ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन को किससे, फ्रॉम द मेमोरी वर्ल्ड से किसके आउटसाइड एनवायरनमेंट की, उसको हम क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन कहते हैं। एंड राइट ऑपरेशन क्या होता है, मेमोरी ट्रांसफर के अंदर ही रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन आता है। तो राइट ऑपरेशन क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर इन टू द मेमोरी इज कॉल्ड है राइट ऑपरेशन। यानी ट्रांसफर करना न्यू इन्फॉर्मेशन को किससे स्टोर करने के लिए एक मेमोरी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद रीड ऑपरेशन एक और टॉपिक इसी के अंदर आता है। तो इसमें कह रहा है कि लेट अ मेमोरी यूनिट दैट रिसीव द एड्रेस फ्रॉम अ रजिस्टर कॉल्ड एज द एड्रेस रजिस्टर एंड द डेटा आर ट्रांसफर टू द अनदर रजिस्टर कॉल्ड एज द डेटा रजिस्टर। क्लियर, इसी के अंदर ये आता है। एंड रीड ऑपरेशन कैन बी स्टोर्ड एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं DR स्टोर्ड होता है किसमें, आपका MAR में। ओके, और ये एक RAM का नीड की हम बात करें, RAM की नीड, तो इसके लिए एक फिगर है। फिगर का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी यूनिट दिया हुआ है, एन डेटा लाइन्स है, एन डेटा लाइन्स ऊपर से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे एड्रेस लाइन है, रीड लाइन है, राइट लाइन है, और ये आपका AR है, ये आपका कहाँ जा रहा है, मेमोरी यूनिट में जा रहा है। तो कौन कौन सी चीजें क्या है, एन डेटा लाइन्स क्या है, एन डेटा लाइन्स यहाँ पे इनपुट लाइन्स के लिए यूज हो रही है, एन डेटा आउटपुट लाइन्स के लिए यूज हो रहा है, उसके बाद के एड्रेस लाइन के लिए यूज हो रहा है, देन यहाँ पे अ कंट्रोल लाइन, यहाँ पे रीड कंट्रोल लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देन उसके बाद राइट कंट्रोल लाइन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपका पॉइंट कह रहा है कि मेमोरी इज यूजुअली एक्सेस इन अ कंप्यूटर बाय पुटिंग द डिजायर्ड एड्रेस इन अ स्पेशल रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड व्हेन मेमोरी इज एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द MAR गेट सेंड टू द मेमोरी यूनिट एड्रेस लाइन्स। यानी मेमोरी यूजुअली जो होता है वो एक्सेस होता है कंप्यूटर के द्वारा बाय पुटिंग द डिजायर्ड एड्रेस, यानी जो भी डिजायर्ड एड्रेस होता है कि स्पेशल रजिस्टर के अकॉर्डिंग, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक्सेस होती है उनके माध्यम से। तो ये चीजें, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें कवर अप हो चुकी होंगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।